विधायक रमेश ध्वाला के विरोध में उठे स्वरों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास दोनों पक्षों के लोग गए हैं और मुख्यमंत्री ने दोनों पक्षों की बात को सुना भी है। उन्होंने कहा कि सीएम इस मामले में कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। गौर है कि जिला कांगड़ा से संबंधित प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदु गोस्वामी ने जहां अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं ज्वालामुखी के विधायक रमेश ध्वाला के खिलाफ शिकायत लेकर कुछ दिन पहले ज्वालामुखी के कार्यकर्ता शिमला में मुख्यमंत्री से मिले थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ मामले परिवार के अंदर होते हैं, परिवार में कभी एक तो कभी दूसरे से गलती हो जाती है, ऐसे में एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ रहता है, इन सभी बातों को हम अंदर बैठकर ही सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सतपाल सत्ती धर्मशाला में आयोजित त्रिदेव सम्मान समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। तरह की बातें हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम लोग बातचीत करके हल करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा परिवार है, उसमें छोटे मोटे गिले शिकवे एक तरफ से दूसरी तरफ से जो चलते हैं, अनेकों जगहों पे होते हैं, कई जगह बाहर आ जाते हैं, कई जगह अंदर हो जाते हैं, लेकिन परिवारों के अंदर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता ही रहेगा क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन उनको सुझाते भी रहेंगे क्योंकि सब लोग पार्टी के साथ कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं, आगे भी वो चलेंगे। ने दूसरे कुछ लोग भी गए थे सीएम के पास, दोनों पक्ष के लोग गए हैं, तो इसलिए उन सब बातों को मुख्यमंत्री जी ने सुना है, तो मुख्यमंत्री से मेरी बात भी हुई है और कुछ ना कुछ हाल इसमें निकालेंगे। ऐसे बात जैसा मैंने बताया कि ये सारे परिवार के अंदर के मामले होते हैं, आप हम जो मर्जी बोलते रहें, इतना बड़ा परिवार है, उसके अंदर कोई किसी से गलती हो जाती है, कोई किसी से गलती हो जाती है, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत रहता ही है। लेकिन इन सब बातों को हम लोग मीडिया के सामने बात नहीं कर सकते, आपको बता भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें, इसलिए इन सब बातों को अंदर ही बैठ करके हम लोग निपटाएंगे। और पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ये पार्टी आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी।